नमस्कार दोस्तों, पूजा यादव 15 के चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक अपना सीक्रेट शेयर करने आई हूं, और वो मेरा सीक्रेट क्या था जो मुझसे बहुत सारे लोग यानी कि जान पहचान वाले मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे इस चीज़ का क्या राज है कि तुम मोटे नहीं होते हो। तो दोस्तों, मेरे मोटे ना होने का एक राज ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैं एक चूर्ण बनाती हूँ और मैं ये हमेशा लेती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इस चूर्ण से मेरा वेट बढ़ता नहीं है, और जब भी अगर बढ़ने लगता है तो मैं यही चूर्ण बनाती हूँ और लेती हूँ, तो मेरा मोटापा अपने आप ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें ली हैं। मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है, अजवाइन ली है, सौंफ ली है, और मेथी दाना लिया है, और अलसी ली है। ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर मोटापा आता है, या फिर हमारे घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, ये देखिए एज के साथ साथ सभी लोगों में आती है। तो आप पहले से अगर इसके उपाय ढूंढ कर रखें, यानी कि अपने सेहत का ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर के अंदर ही बना के रखें जिससे आपको इन समस्याओं से ना जूझना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपके साथ यही चीज़ें आज बताने आई हूँ कि अगर आपके भी ये दिक्कतें हैं तो आप भी ये ज़रूर करना जो मैं करती हूँ। पैन हमने गरम कर लिया था, उसमें हमने वन बाय वन करके सारी चीज़ें हल्की सी भूननी है। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इतना ही भूनना है कि इनके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नमी किसी चीज़ के अंदर होती है तो वो जल्दी ख़राब भी होती है। इसलिए हमें सारी चीज़ों को हल्का हल्का भून लेना है, ज़्यादा नहीं, और स्लो गैस पर भूनना है, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस करेंगे तो ये सारे मसाले जल जाएंगे और जो इनके गुण हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें वन बाय वन करके ऐसे ही भूनना है और एक प्लेट में निकालते जाना है। दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही भून कर निकाल लूँगी। अब सौंफ भी डाल दी है मैंने, इस सौंफ को भी हम ऐसे ही भूनेंगे, और सौंफ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है वो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि अलसी है, अलसी का मैं बताती हूँ। जैसे हमारे घुटनों में बोलते हैं ना कि आपके घुटनों की ग्रेस ख़त्म हो गई है, घुटनों के अंदर चिकनाई नहीं बची है। तो अगर घुटनों के अंदर ग्रेस नहीं है, चिकनाई नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, तो अलसी आपको ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अलसी के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है और ये हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है। यानी कि जो बालों का गिरना झड़ना होता है और जो हमारी स्किन के अंदर डलनेस आ जाती है उसको भी ये दूर करती है। और अजवाइन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये हमारी बाईवादी को ख़त्म करती है। जैसे गैस हमारे पेट में बनने लगती है ना, खाना खाते हैं तो डकारे आने लगती है या फिर हमारी गैस बन जाती है। तो अगर हम एक बोलते हैं ना, एक चम्मच आप फाकी ले लेते हो अजवाइन की, तो आपकी गैस ख़त्म हो जाती है। वैसे ही ये मेथी दाना है, मेथी दाना भी हमारे दर्द को ख़त्म करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में मेथी दाने के लड्डू भी बनाते हैं, क्योंकि जिनको बाय होती है, गठिया होती है, तो उसके अंदर भी ये काम आती है और वो लोग लड्डू बनाते हैं इसके। दोस्तों, इसको कैसे बनाना है, देखो सारी चीज़ों को भून लेना है, मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको एक बाउल में डालकर इकट्ठा कर देंगे सारी चीज़ों को, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसको ठंडा होने के रख रख देंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद में ही हमें पीसना है। अगर हम गरम गरम पीसेंगे तो ये सारी मिक्सी के अंदर पानी सा बन जाएगा, इसका चारों तरफ चिपक जाएगी। तो ठंडा होने के बाद में जब हम पीसेंगे तो इसका चूर्ण बहुत अच्छा बन जाएगा दोस्तों। और चूर्ण को भी हमें छानकर और ठंडा करके ही किसी कंटेनर में डालना है। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाला और इसको बारीक पीस लिया है। ये देखिए, हमारा चूर्ण बनकर हो गया है तैयार, और ये चूर्ण मैंने 15 दिन के लिए बनाया है। दोस्तों, आपको जितनी मर्जी हो आप बना सकते हैं, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या जितना भी आप मन करें। मैं इतने ही दिन का बनाती हूँ। और दोस्तों, आपको इसको कैसे लेना है, आपको सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में एक गर्म गिलास पानी का लेना है और एक चम्मच ये चूर्ण लेना है, और इसको लेने के बाद में 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। 1 घंटे के बाद में फिर आप चाय, पानी, दूध, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं और खा सकते हैं। दोस्तों, ये आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखाएगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।